हाय स्टूडेंट्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा NPA HSC का है, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। फर्स्ट आपको करना क्या, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि NPO जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाता कौन है। तो आपने फाइनल अकाउंट इससे पहले प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा, इससे पहले आपको फाइनल अकाउंट करना है, देन फिर आप NPO करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट से आपको इससे मीन्स आपका बहुत सारे एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो कवर हो जाएंगे ऑलरेडी। तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाने का, जैसे कंपनीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जितने भी हैं वो बनाते हैं फाइनल अकाउंट। NPO बनाते हैं जिनका मेन पर्पज होता है सर्विस प्रोवाइड करना, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्विस प्रोवाइड करना। अब इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें स्कूल्स आ जाते हैं आपके, कॉलेजेस आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट क्लब वगैरह रहता है, वो सब चीज़ें आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेंशन करते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जितने भी खर्चे होने वाले आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। फाइनल अकाउंट के टाइम पे जो आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया था आपको यहाँ पे रखना है, और जो हमारी क्रेडिट पार्ट होती है मीन्स इनकम, उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो फाइनल अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते रहेंगे, बट इनकम से यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ जाता है। तो पहले एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा वेजेस पता होना चाहिए, वेजेस लेबर्स को मिलता है, सैलरीज जो भी हमारे एम्प्लॉयज रहेंगे उनको मिलेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी सोसाइटीज़ के या फिर हॉस्पिटल के रहेंगे उनको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो भी पार्ट रहेगा ये, रेंट हमारा खर्च है, ऑडिट फीस जो ऑडिटर्स को पेमेंट किया जाता है, कौन पेमेंट करेगा, जो भी अगर स्कूल सेक्शन ने रखा है स्कूल सेक्शन वाले ऑडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो ऑडिट फीस आ जाता है हमारा, न्यूज़पेपर आ जाता है, एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा, ये न्यू दिया तुम्हारा उसमें NPO के कॉन्सेप्ट का है, कोई ड्रामा वगैरह किया तो उसके लिए कुछ खर्चे हमारे हो गए उसको लिखना है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऑलरेडी फाइनल अकाउंट के पार्ट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑलरेडी था यहाँ पे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस के अलावा अगर कुछ और खर्चे हो जाते हैं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के पार्ट है। अब ये हॉस्पिटल का खर्चा है मेडिसिन, हॉस्पिटल में मेडिसिन क्या रहता है एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को वो क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेंगे स्कूल वाले कॉलेजेस वाले रिफ्रेशमेंट के लिए अपने जो भी एम्प्लॉई है उनको रिफ्रेशमेंट करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो हमारा क्या रहता है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। सपोज मूवी जाने के लिए अपने जो भी टीचर्स हैं या फिर मेंबर्स हैं उनको पेमेंट करते हैं, ये तो हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बेसिक है इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं। और बात करते हैं इनकम में, तो इनकम अगर आप याद करना चाहते हो तो याद करना बहुत सिंपल है कि इनकम में वो चीज़ आएंगी जहाँ पे आपको फीस दिख जाएगा, क्योंकि आप कॉलेज के बेस पे सोचोगे, हॉस्पिटल के बेस पे सोचोगे तो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहता है, फीस रहता है। तो जितने भी फीस वाले आइटम है आपको क्या रखना है, इनकम में याद रखना है। सेकेंड, जितने भी रिसिप्ट वाली चीज़ें हैं, रिसिप्ट आपको दिखेगा या फिर रिसिप्ट वर्ड दिखता है उसको आपको कहाँ ये पोस्ट करना है, इनकम साइड में। चलिए थोड़ा सा पार्ट समझते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा इनकम दिया गया बाय सब्सक्रिप्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है और ये इनकम में क्यों रिकॉर्ड हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन रहता है जो सोसाइटी के मीन्स हमारे NPO में जो भी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के मेंबर रहते हैं उनका पर ईयर का पेमेंट रहता है, वो डिसाइड होता है, पर ईयर भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, सिक्स मंथ हो सकता है, डिसाइड करती है भाई सोसाइटी जो हमारी रहती है वो डिसाइड करते हैं। तो ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहता है क्योंकि हर साल पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे एडमिशन फीस दिया है, एडमिट करने के टाइम पे जो आपको पेमेंट करना पड़ता है, फीस करना पड़ता है वो हो जाता है। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर कोई मेंबर लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहता है तो उसको लाइफ मेंबरशिप फीस देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, एंट्रेंस फीस, जो एंट्री के टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है। अब रिसिप्ट तो आपको समझ गया रहेगा, रिसिप्ट मीन्स होता है हम लोग रिसीव कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, रेंट रिसिप्ट मीन्स रेंट रिसीव किया तो हमारा क्या हो जाता है, इनकम का पार्ट हो जाता है। ड्रामा रिसिप्ट मीन्स ड्रामा का कुछ इनकम आ गया वो हम लोग ने रिसीव किया। सन्ड्री रिसिप्ट मीन्स कोई एक्स्ट्रा छोटे मोटे इनकम क्रिएट हुआ वो रिसीव किया। नेक्स्ट हमारा डोनेशन, क्योंकि इस तरीके के जो हमारी सोसाइटीज होती है उनको डोनेशन वगैरह आते रहते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट रहता है, इनकम का पार्ट रहता है। एंड लास्ट हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, लेगेसी, लेगेसी मीन्स रहता है अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न को किसी ने गिफ्ट दिया है, वो चाहे गवर्नमेंट भी हो सकती है, चाहे फिर कोई बाहर का पर्सन हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, किसी ने अगर कुछ गिफ्ट दिया तो उसको क्या रिकॉर्ड किया जाता है, भाई लेगेसी करके रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं एक्सपेंडिचर एज वेल एज इनकम के पार्ट। आप इसको टैली करोगे तो आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट को आप क्या बोलते हो, सरप्लस, या फिर आपको लॉस मिलता है, लॉस को क्या बोलोगे, डेफिसिट। सरप्लस पार्ट जो रहेगा आपके कैपिटल फंड मीन्स लायबिलिटी में जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एंड डेफिसिट का जो पार्ट रहेगा आपका जाके यहाँ पे कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।